गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शिवन्यास वर्ल्ड। तो एक्चुअली हम ना बंगालीज है, ओके। एंड बंगालीज को, हर एक बंगालीज को आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं, राइट। तो हम भी नीचे बैठ के खाना खाने में कंफर्टेबल है। जनरली हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना नहीं खाते, पता नहीं क्यों। तो नीचे बैठ के खाना खाने में ही हमें कंफर्टेबल लगता है। लेकिन आजकल जो हो रहा है, आजकल हो रहा है घर में गेस्ट जो है ज्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ मम्मी डैडी का भी उम्र हो गया है, तो नीचे बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड हमारे घर पे 30 साल पुराना एक डाइनिंग टेबल है जो कि बहुत ही एकदम ठीक ठाक ओके है, कुछ भी खरोच तक नहीं आया अभी तक उसमें। 30 साल पुराना मतलब मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं तब पैदा भी नहीं हुई, तो उतना पुराना जो है डाइनिंग टेबल है हमारा। लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, बहुत क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा है, एक खरोच तक नहीं आया है। तो अभी तक वो जो डाइनिंग टेबल है वो वो है ऊपर में, अभी ऊपर में नहीं है, कल तक ऊपर में था। तो मैंने पापा को बोलकर उसे नीचे डाइनिंग प्लेस में रखवा दिया है। तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा अगर रिनोवेट करूंगी तो डाइनिंग टेबल जो है एकदम चकाचक लगेगा सच में। तो मैंने उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो डाइनिंग टेबल का जो पैर है वो उसका जो कलर है थोड़ा सा फेड हो गया है, उसको मैं थोड़ा सा कलर करूंगी। एंड थोड़ा सा कवर डाइनिंग क्लॉथ एंड टेबल क्लॉथ जो है उसको बिछाऊंगी, एंड थोड़ा सा मैट वगैरह जो है बिछाऊंगी, ओके। तो आज मैं वही करने वाली हूँ, एंड वो चीज जो मैं करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फर्स्ट जो है कलर को कंप्लीट करते हैं, एंड फर्स्ट आपको मैं डाइनिंग टेबल दिखा दी। सो ये रहा हमारा डाइनिंग टेबल, जिसका क्वालिटी बहुत ही ज्यादा हार्डी है, एकदम स्टडी मटेरियल है इसमें। एंड ऊपर का जो चीज़ है वो एकदम ठीक ठाक है, कुछ भी खरोच नहीं आया है। सिर्फ पैर में जो देख सकते हो आप कलर है थोड़ा सा फेड हो गया है, थोड़ा सा स्क्रैचेस भी है। तो इसको मैं कलर जब करूँगी तो सभी कुछ जो है फिक्स हो जाएगा। एंड कलरिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जो फैब्रिक कलर होता है ना, जिसमें जिसको साड़ी में कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको भी मैं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ करूँगी।
नहीं करते, ये पड़ा रहता है, तो इसको मैं कलर कर रही हूँ सेम कलर से एंड इसको मैं एज अ फ्लावर वर्स यूज़ करूँगी। एंड ये फैब्रिक कलर है तो बहुत जल्दी ये सूख जाएगा एंड तब भी तक मैं जो करूँगी जो टेबल क्लॉथ है उसको मैं बिछा दूँगी अच्छे से एंड उससे पहले मैं टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ क्योंकि जो कलर है थोड़ा सा लग गया है ऊपर। पुरानी चीज़ को, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ को आप कैसे ठीक करके एकदम प्रेजेंटेबल करके प्रेजेंट कर सकते हो सबके सामने, तो फेंकना नहीं है, सब कुछ हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर आपको तो करना ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड कल मैं जाऊँगी मेरी फ्रेंड की पार्टी में, तो उस पर भी एक बड़ा सा या फिर पता नहीं छोटा सा व्लॉग तो बनाऊंगी एंड वो मेरे चैनल पे डाल दूंगी, तो आपको भी एंजॉयमेंट होगा, मुझे भी, मुझे आप भी देख पाएंगे, मैं भी देख पाऊंगी खुद को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, गुड नाइट, गुड नाइट नहीं, गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग, टाटा, लव यू, बाय बाय।